हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 02 में। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी शायद आप लोगों को, तो मैं इसका सेकंड पार्ट ले आया हूँ। मैं कल परसों वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहूँगा। तो चलिए अपनी इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरो को दिखाते हैं, वो यहाँ पे कहता है कि देखो ज़रा मेरे पास ये भारी चीज़ है जिसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मेरे को किंग माउंटेन टेम्पल को ढूंढना है क्या, तो मेरे को बता सकते हो कि किंग माउंटेन टेम्पल है कहाँ पे, क्योंकि ये डीमन बीस्ट को मेरे को वहाँ पे लेके जाना है। जब वो लोग देखते हैं कि हमारे हीरो के हाथ में इतना बड़ा डीमन बीस्ट है, तो वो समझ जाती है कि ये कोई पावरफुल बंदा है जिससे उन्हें पंगे नहीं लेने चाहिए, अगर लेते हैं तो वो मारे जाएंगे। जबकि उसका जो छोटा ब्रदर होता है बोलता है कि हाँ सामने की तरफ नॉर्थ में चलते जाओ, अगर तुम सीधा नॉर्थ की तरफ जाओगे तो किंग माउंटेन टेम्पल की तरफ पहुंच जाओगे। जबकि हीरो से थैंक्स करता है, वो उसे वेलकम कहते हैं। फिर हमारे हीरो पीछे मुड़ता है और कहता है कि हे मेरे को एक और बात पूछनी थी, क्या तुम लोगों के पास खाना वगैरह है क्या। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं खाना। फिर हमारा हीरो कहता है कि हाँ तुम लोग यहाँ पे दूसरे लोगों की चीजें चुराते हो और लोगों से चीजें छुनते, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास खाना तो हो रही चाहिए। जबकि वो लोग कहते हैं हाँ हमारे पास खाना है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जो हमारा हीरो होता है वो लोगों का खाना खा लेता है। जो खाना रहता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, बोल सकते हो काफी नहीं होता। फिर हमारा हीरो जो होता है उन दोनों भाइयों से कहता है कि हे क्या तुम दोनों के पास बस इतना ही अमाउंट में फूड था। मेरे ख्याल से ये बैंडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ही कम है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम्हें और भी ज्यादा रखना चाहिए। जबकि वो लोग कह रहे होते हैं कि हाँ हमने ठीक कहा सर, उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हीरो है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं करना चाहते। जबकि हीरो मन में सोच रहा होता है मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे अपने आप को रोकना होगा, अगर मैं जितना ज्यादा खाऊंगा मुझे उतनी ही ज्यादा भूख महसूस होगी। फिर हमारा हीरो पूछता है तुम लोगों का कैंप यहाँ आसपास है क्या। जबकि वो लोग कहते हैं कैंप हाँ। फिर हमारा हीरो अपनी कैप को उठाते है, पता नहीं वो क्या रहती है, वो उसको उठाते है और कहता है कि चलो ठीक है यहाँ पे हमें खाने की तलाश हो चुकी है, हम तुम्हारे कैंप की तरफ निकलेंगे और कैंप की तरफ खाएंगे। तो हीरो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो जो होता है वो उन दोनों के साथ उनके कैंप की तरफ निकलेगा। तो हीरो को अभी भी भूख लगी होती है, तो वो उन्होंने के साथ उसके कैंप की तरफ ही जा रहा होता है। जबकि वो लोग कह रहे होते हैं कि सर सर प्लीज यहीं पे रुक जाइए ना, हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, हमें वहाँ पे वापस दोबारा नहीं जाना, हम अभी अभी तो उसी जगह से भागते हुए वापस आए क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा ही भयानक है, हम बड़ी मुश्किल के साथ उस जगह से एस्केप किए, छूट के भागे निकले हैं। हीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या कहा तुमने एस्केप की हो। जबकि यहाँ पे वो बड़ा वाला जो ब्रदर रहता है वो कह रहा होता है कि चलो तुम रहने दो मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो बंदा होता है वो हमारे हीरो को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये करीबन एक महीने पहले की बात है, एक महीने पहले हमारी टीम बैंडिट्स की टीम यहाँ पे आई हुई थी किसी मशन को लेके, मतलब मिशन वगैरह था उसको लेके यहाँ पे आए हुए थे। फिर वो बताता है कि यहाँ पे उनकी जो टीम थी जब वो यहाँ पे पहुंचे तब उन्हें सामने की तरफ एक अबैंडेंड सा टेंपल मिला, एक ऐसा टेंपल जो कि बहुत ज्यादा ही पुराना था, बहुत ज्यादा टूटा फूटा भी था, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। तो हमारे जो लीडर थे उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे रुकेंगे कुछ टाइम के लिए जब तक कि हमारा मिशन कम्प्लीट नहीं हो जाता। फिर जब वो लोग टेंपल के अंदर पहुंचे तो उन लोगों को वहां पे सामने एक मूर्ति मिली। वो मूर्ति तो थी नॉर्मल सी, पर उसके अगल बगल में बहुत सारी खोपड़ियां थी जो कि पूरी तरह से एक कंकाल टाइप कह सकते हो, और वहां पे बहुत सारे स्कल वगैरह थे जो कि वहीं पे पड़े हुए थे, जिसको देख के एक बहुत सा अलग ही ऑरा लाइक फील होता है, मतलब अलग ही कुछ फील होता है। वो अंदर बताते हुए कहता है कि सारे लोग बहुत ज्यादा ही डरे हुए थे, बहुत ज्यादा हैरान थे, सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे मूर्ति कैसे है और ये जगह क्या है। और एक बंदे ने तो ये भी मेंशन किया ये कहते हुए कि ये जो स्टैचू है ये कर्स है, जो भी यहाँ रहता है वो मारा जाता है। बट जो हमारे चीफ थे वो इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे और उन्होंने उस मूर्ति को काटते हुए ये कहा कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो चलो मेरे साथ रहो, इस जगह पे रहते हुए अपने मिशन को कम्प्लीट करेंगे और लोगों से आने वाले जो भी यहाँ पे लोग होंगे उनका सामान हम छीनेंगे। ये चीफ की बात सुनने के बाद किसी के पास भी यहाँ पे मतलब हिम्मत नहीं थी कि वो चीफ को यहाँ पे मना कर पाए। और उसी दिन के बाद से यहाँ पे सारी चीजें बदलना शुरू हो गई। पहले जो चीफ थे वो उन लोगों को बिल्कुल सजा नहीं देते थे जो कि इनोसेंट थे, बिल्कुल भी सजा नहीं देते थे, सिर्फ जो भी गलत है उसी को सजा देते थे। पर उस दिन के बाद से जो चीफ थे पूरी तरह से बदल गए, वो उनको भी सजा देते थे जो इनोसेंट है, उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की या किसी ने भी थोड़ी सी गलती की तो उसको बहुत ज्यादा बुरा पीटा जाता था, और हद से ज्यादा क्या बुरा हो सकता था। एक रात मैंने अपने चीफ को देखा, चीफ को देखा ही नहीं बल्कि एक भयानक चेहरा देखा, एक ऐसा चेहरा जिसको मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बोल सकता। और यहाँ पे दिखाते हैं वो देखता है कि उसके जो चीफ होते हैं वो अपने किसी नॉर्मल से मतलब एक बंदा रहता है उसको यहाँ पे खा रहा होता है, यानी कि जो चीफ है पूरी तरह से डीमन बन चुका है। और वो जो बंदा होता है वो डर तो यही बता रहा होता है हमारे हीरो को कि वो अब डीमन बन चुका है, पता नहीं उस जगह से क्या रिलेशन है। पर हमारे चीफ
पूरी तरह से बदल चुकी है, वो पूरी तरह से एक जानवर बन चुकी है। वो हमारे इनोसेंट लोगों को ही मार रहे हैं, सिर्फ मार ही नहीं रहे, मार के खा भी रहे हैं। अब ऐसा तो लगता ही नहीं कि हमारे जो चीफ है वो हमको एक ह्यूमन की तरह देखते हुए है, वो हमें एक शिकार की तरह देखते हैं। हमारा जो हीरो होता है अपने पास से जो डीमन बीस्ट का सर रहता है उसको पटकता है और कहता है, तो अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। फिर तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, चलो फिर देखते हैं तुम्हारे कैंप में जाने की बात क्या, आखिर तुम्हारे चीफ कैसे, और उनसे भी थोड़ा मिल लिया जाए। उसके बाद उनके चीफ को दिखाया जाता है जो कि उसी कटी हुई मूर्ति के नीचे बैठा होता है जहाँ पर उसने पहली बार कटी हुई मूर्ति को काटा था। एक महीने की बात है, एक महीने में देखो भाई साहब कितना बदल गया ये बंदा। और उसका जो चीफ होता है वो बस यही चीजें कह रहा होता है कि भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। जबकि सामने से हमारा हीरो और उसके साथ उसके दो साथी वगैरह आ रहे होते हैं, तो वो बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा सही समय पे आए हो, जब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भूखा था, जब मेरे को सबसे ज्यादा भूख लगी तब तुम लोग यहाँ पे मेरी भूख मिटाने के लिए आए हो, तुम्हारा शुक्रिया। वो लोग अपनी चीफ की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि अब चीफ ने तो पूरी तरह से ही अपना डीमन वाला फेस दिखा दिया होता है। पहले तो वो छुप छुप के लोगों को मारा करते थे, अब तो सामने आके लोगों को मार रहे हैं। वो दोनों लोग यहाँ से गए हुए ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ था कि यहाँ पे वो चीफ का ये चेहरा देख के कहते हैं कि चीफ आखिर ये आपको हुआ क्या है, आप इतना ज्यादा बदल कैसे गए। हीरो कहता है ये पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है, क्योंकि इसकी इच्छा ने इसके इंसानी दिल को पूरी तरह से निगल लिया है। जब ऐसा होता है तो जो इंसान होता है पूरी तरह से डीमन बन जाता है। जबकि जो उसका वो रहता है चीफ डीमन, वो कह रहा होता है मुझे मतलब नहीं, मुझे भूख लगी है बहुत तेज भूख, मेरे को इंसानी फ्लैश चाहिए। वो दोनों ही बंदे जो होते हैं अभी भी चीफ को चीफ समझ रहे होते हैं और चीफ से कह रहे होते हैं इंसानी भाषा में कि चीफ प्लीज प्लीज हमें थोड़ी दया दिखाइए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। जबकि उन्हें पता नहीं कि उनका चीफ पूरी तरह से फ्लैश का भूखा है, यानी इंसानी मांस का भूखा है, और उसे सिर्फ इंसानी मांस चाहिए, उसे किसी चीज से मतलब नहीं। हीरो जो होता है बिल्कुल भी यहाँ पे घबराता नहीं है और दिखाते अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए वो यहाँ पे कहता है कि तुमने यहाँ पे गलत किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम्हारा जो डिमोनाइजेशन जो मेथड था वो बहुत ज्यादा ही मतलब जल्दी हो गया था, मतलब थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ था, तो उसको यहाँ पे क्लीन किया जा सकता है। उसके साथ ही दिखाते उसे क्लिनजर करी कुछ कहता है। उसके बाद जो वो बड़ा सा डीमन रहता है उसके अंदर का जो डीमन होता है वो वहां से हट जाता है, और जो नॉर्मल चीफ रहता है उनका वो वहां पे आ जाता है। तो दोनों ही बंदे हमारे हीरो से कहते हैं कि मास्टर आप तो सच है बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो, आपने ये कैसे किया, भला आपने एक ही हमले के साथ हमारे चीफ को यहाँ पे कैसे लुड़का दिया। हमारा हीरो कह रहा होता है कि मेरे पास मत आना क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद दिखाते उसे मूर्ति के पीछे से एक पता नहीं क्या निकलता है, कोई ये जानवर रहता है। वो जानवर हमारे हीरो की तरफ ही देख रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्से की तरफ देखता है भाई उसकी आंखें, और वो जो डीमन रहता है जो भी रहता है वो यहाँ पे देख रहा होता है उसी मोटे चीफ की तरफ और कह रहा होता है कि इसको खाने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसकी चीजें देखने में बहुत ज्यादा मस्त है। वो सामने उन तीनों लोगों की तरफ देखता है, और यहाँ पे वो जो लड़का रहता है हमारा हीरो रहता है उसको अपने पता नहीं कोई जगह रहती है उसके अंदर वो ले आती है वो लड़की, जिससे वो हमारे हीरो के साथ ठीक से बात कर सके। अलग ही जगह पे हमारे हीरो को लेके आती है, तो यहाँ पे वो मतलब बाहर की तरफ आती है और हमारे हीरो से बात करते हुए कह रही होती है कि मेरे फेलो डाओइस्ट, मैं भी तुम्हारी तरह कल्टीवेटर हूँ और हम दोनों ही कल्टीवेटर है, स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के अफेयर में क्यों पड़ रहे हैं, हमें यहाँ पे एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, ना हमें अपने काम में दखलंदाजी देनी चाहिए, तुम अपने रास्ते चलो मैं अपने रास्ते चल रही हूँ, मेरे को जो करना है मैं वो करूंगी। यहाँ पे हमारा हीरो कह रहा होता है कल्टीवेशन, अच्छा कल्टीवेटर और फेलोज, वैसे लगता नहीं तुम ये चीजों पे बिलीव करती हो, क्योंकि अभी अभी तुम यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है, तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो यही पे इस वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। ये लड़की भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, और हमारे हीरो की भी थोड़ी पावर देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए सायोनारा पीस गुड बाय, और इस सीरीज के आखिर तक जरूर बने रहना, ये सीरीज मस्त है यार। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा पीस गुड बाय।